हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है उसे पढ़ लिए। उसमें हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ लिए हैं पीछे, और इसके टाइप्स के कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स होते हैं, जो हम तुम लोगों को बताए थे कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, है ना। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट टॉपिक, है ना। जैसे इसमें जैसे ये समझे कि व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप लोग इससे क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही हम लोग पढ़े हैं। शुरू शुरू में पढ़ाया जाता था या बताया जाता था स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको क्या कहा जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बताया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब समझ रहे हैं, जो प्लांट से, किससे, प्लांट से बने या एनिमल से। तो इसी क्रम में आप सभी लोग जानते हैं 18वीं शताब्दी की बात है, है ना, सेंचुरी की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, ठीक। तो ये बर्जीलियस महोदय ने ये बताए थे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली फॉर्मेड बाई या ओनली फाउंड एंड फॉर्मेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जा सकते हैं, जैसे भी मैं बताया, प्लांट से या एनिमल से। और इन्होंने बताया कि जो वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सबसे पहले बर्जीलियस ने ही शो किए कि जो हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, इनके पास ही वो पावर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो बना सकते हैं, है ना, या उनमें खुद हमारे जो गॉड है, ईश्वर है, ये बनाते हैं। कहने का मतलब उनका ये था कि गॉड ने प्लांट बनाया, है ना, एनिमल्स बनाए, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए इसको वाइटल फोर्स बता दिया गया, है ना। ये बहुत दिनों तक इनकी थ्योरी चलती रही, लेकिन बेटा जैसे जैसे साइंटिस्टों का दिमाग इधर आकर्षित होता गया कि क्या कारण है कि ये सिर्फ प्लांट और एनिमल ही बनाते हैं, है ना। तो इसी क्रम में एक और वैज्ञानिक आते हैं, यफ वॉलर, उनका नाम था क्या, यफ वॉलर, ओलर, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की खोज कर दिए अपने लैब टीच के अंदर, किसके अंदर, मतलब ये अपने लैब के अंदर, है ना, लैब में थिंसेसिस कर दिए, किसका थिंसेसिस किए, यूरिया का। जैसे इसी क्रम में सर्च करते रहे, लेकिन अचानक इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया था, है ना, अमोनियम साइनेट, जैसे NH4CNO, इसका नाम क्या है,
अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट है ना। तो इसको इन्होंने किया क्या, लेविटिज के अंदर गर्म कर रहे थे, जब लेविटिज के अंदर गर्म कर रहे थे तो इन्होंने एक सब्सटेंस फाइंड आउट किया NH2CO NH2 है ना। जब इसका स्टडी किए तो पाए कि क्या है, यूरिया है। अब देखिए यहाँ से एक नई क्रांति चालू हो गई ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर। कैसे, अब तक तो ये चल रहा था कि ये जो है वाइटल फोर्स इसके लिए रिस्पांसिबल होता है, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल ही बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने लाइफ के अंदर, किसके अंदर, लाइफ के अंदर इसे सिंथेसिस कर दिए, बना दिए। ये क्या था हमारा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लाइफ के अंदर बन गया, तो ये जो बर्जिलियस की थ्योरी बहुत दिनों तक मानी थी, अब इसको ये चैलेंज कर दिए है कि नहीं। क्यों क्यों चैलेंज किया, क्योंकि ये यूरिया जो ह्यूमन बींग्स के यूरिन में मिलती है, बॉडी में बनती है, ये तो लाइफ के अंदर बनाती है। इसी क्रम में अदर साइंटिस्ट भी हुए, जैसे कोल्बे का नाम सुने होंगे, किसका, कोल्बे है ना। इन्होंने एस्टिक एसिड को बना दिया, किसको, CH3COOH एस्टिक एसिड, जिसको विनेगर एसिड भी कहा जाता है। तो एक क्रम आगे बढ़ता गया। अब देखिए यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी ऑक्सीजन भी आ गया है ना। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बना था। तो इसके बाद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो खोज लगातार होने लगी, इस क्रम में एक कोल्बे ने भी इसे खोज कर लिया, ठीक है। इसी क्रम में मेथेन बनाया गया, कौन, मेथेन भी बना लिया गया, जो मेथेन गैस होती है। तो इस तरह से इसका जो डिफिनेशन था, पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए अब ये गलत हो गई है कि नहीं। सिर्फ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, इसमें तो ये भी है, अर्थात यहाँ से एक न्यू डिफिनेशन दिया गया है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक। एक तो ये डिफिनेशन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन अब साथ साथ थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करके बता दिया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स का मतलब जो इससे भी उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी पाए जाते हैं। जैसे भी मैं यहाँ एस्टिक एसिड का नाम लिया, जैसे देखिए CH3COOH है तो जरूर एस्टिक एसिड, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया है ना। इसी क्रम में जैसे मान लीजिए मेथेन है, क्या है, CH4 है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाए और इसमें एक Cl जोड़ लिया जाए तो ये बना देगा क्या, देखिए CH3Cl है कि नहीं, ये CH3Cl बना लेगा। तो जो CH3Cl है, क्लोरोमेथेन, क्या है, क्लोरोमेथेन। अब देखिए ये भी एक डेरिवेटिव्स हो गया है, तो ये भी फॉलो करता है हाइड्रोकार्बन्स के नेचर को, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचर को फॉलो करता है, तो फिर ये भी हुआ। तो इस तरह से बेटा ये न्यू डेफिनेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, समझ में आई बात। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा भी तो बहुत से कंपाउंड है जिनका नाम लेना बताना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें से कुछ जान लीजिए, जैसे हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, है कि नहीं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज पीते भी हैं, C6H12O6 है, जैसे शुगर होता है ना, C12
CH22O11 होता है ना। इसी तरह CH3 है और क्या है, CH2 है और OH है, ठीक है। ऐसे बहुत से सारे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्रुप में आते हैं। तब इसी क्रम में जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। हाइड्रोकार्बन मीन्स वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो जैसे इसके विषय में मैं भी बताया कि पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं टू टाइप होते हैं, है ना, कौन कौन, सैचुरेटेड और क्या है, अनसैचुरेटेड। अब इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये थ्री टाइप्स के, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से होंगे यहाँ पे वन बाई वन करके देख ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है इसको एल्केन्स नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एल्केन। जो सेकेंड है इसको एल्केन दिया गया, और जो तीसरा है इसको एल्काइन, क्या कहा गया, एल्काइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि जो एल्केन था, ये जो होते हैं हमेशा सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, कैसे, अर्थात कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड अराउंड कार्बन्स, इसके चारों तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के चारों तरफ ये देख रहे हैं ना, ये सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अराउंड इट्स, अराउंड इट्स, इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ कार्बन के देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड होता है, और जहाँ पे अभी मैं बताया था कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, इसलिए जो एल्केन है क्या है, सेचुरेटेड हुआ, कैसा हुआ, सेचुरेटेड हुआ, ठीक है। इसी क्रम में सेकेंड देखेंगे एल्कीन। तो एल्कीन जो होते हैं एटम, जो एक कार्बन एटम है इसका, कौन सा कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है ना, इसके पास कितना होता है, एटलीस्ट डबल बॉन्ड, ठीक, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। मतलब जो कार्बन होगा सिंगल वाला तो बनता ही नहीं है, अभी आगे बताएंगे, लेकिन जो भी कार्बन कार्बन मिलेंगे अगर उनके बीच में क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्किन कहेंगे। अर्थात ये क्या हो गया, ये जो अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में आ गया। जैसे मैं इसे बता चुका हूँ कि जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए एल्काइन की, किसकी बात किया जाए, एल्काइन का, तो जो कार्बन होता है, कार्बन एटम है एट लीस्ट कितना, ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड आया तो किस कैटेगरी में आ गया, अनसेचुरेटेड के। तो इसे भी हम कह सकते हैं क्या है, अनसेचुरेटेड, ठीक। तो ये तीन हो गए मेन टाइप्स इसके। अब इसके लिए हमें देखना है कि इन तीनों का जनरल फार्मूला क्या होता है। जैसे इसका हम जनरल फार्मूला की बात करें, है ना, जनरल फार्मूला, तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला निकल के आता है CnH2n+2। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए निकल करके आता है जनरल फार्मूला, ठीक है, क्या, CnH2n। और इसकी जब बात करेंगे तो इसके लिए निकल करके आता है जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो इस तरह से बेटा ये तीन। अब इस फार्मूले पे हम मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यानी क्या है, ये नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, एन की वैल्यू रख करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं, ठीक है, एन इक्वल टू कितना, 1। तो जब एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए सी 1 हो गया,
एच टू हो गया इंटू वन हो गया प्लस टू हो गया तो इक्वल टू सी एच फोर हुआ, कितना हुआ सी एच फोर। ठीक है, तो जो सी एच फोर है अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए जो कार्बन एटम सेंट्रल एटम होता है इसके चारों तरफ क्या हुआ एक एक हमारे जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन हो गए। ठीक है, तो कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना लिए, क्लियर। अच्छे, अगर यहाँ पे हम यान इक्वल टू वन रखें तो देखिए सी एच टू आएगा, तो ये सी एच टू क्या एग्जिस्ट करेगा नेचर में? देखिए कार्बन से दो हाइड्रोजन जुट गया, अभी भी इसकी दो वैलेंसियाँ क्या हैं फ्री हैं, है ना, तो फ्री हैं तो ए कंपाउंड बनने का कोई चांस नहीं। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे अगर यान इक्वल टू हम वन रख रहे हैं तो सी कितना होगा वन एच टू माइनस टू, तो ये जीरो हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन बचा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे नेचर में। तो इस तरह से बेटा जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट एल्केन का तो मेथेन है, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब कार्बन वन अगले कंपाउंड्स बनेंगे ही नहीं दोनों के। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम यन इक्वल टू कितना रख दें टू, तो जब टू रखेंगे तो यहाँ एक कंपाउंड निकल करके आएगा सी टू एच सिक्स, क्यों टू हो गया टू टू या फोर टू सिक्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है इथेन, क्या नाम है इथेन। अगर इसी क्रम में यहाँ पे रख दें यन इक्वल टू टू, तो यहाँ क्या बनेगा कंपाउंड हमारा देखिए सी टू एच फोर, है ना, इसका नाम क्या होगा इथीन, है ना। अगर यहाँ पे हम रख दिए यन इक्वल टू टू, तो यहाँ हमारा न्यू कंपाउंड बन के आएगा सी टू एच टू, टू टू या फोर टू माइनस हो जाएगा, मतलब है तो एसिटिलीन लेकिन इसका एफएसी नाम क्या हो गया इथाइन, क्या हो गया इथाइन, है ना। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, जैसे अभी मैं कहा कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ तो बन रहा है, जैसे इसके बीच में भी वही बनेगा सिंगल बॉन्ड ही, है ना, ये साइड से जितने भी बॉन्ड है सब सेटिस्फाई होंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके पास जो फोर हाइड्रोजन एटम है टू इसके सराउंडिंग में हो जाएंगे, है ना, और टू इसके सराउंडिंग में हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इस तरह से ये भी डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अगर इसको देख लिया जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग में रहेगा एक इसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया एल्काइन, मतलब ये दोनों हमारे क्या हो गए अनसेचुरेटेड हो गए। ऐसे हम यन की वैल्यू जैसे हम थ्री रख सकते हैं, यन की वैल्यू फोर रख सकते हैं, यन की वैल्यू फाइव रख सकते हैं, है ना, सो यन की वैल्यू टेन रख सकते हैं। जैसे थ्री रखेंगे तो सी कितना हो जाएगा थ्री, एच कितना हो गया देखिए थ्री टू जा सिक्स और टू जोड़ दो एट। अगर इसकी वैल्यू रखती है फोर सी फोर एच टेन, अगर इसकी वैल्यू रख दिए तो सी फाइव एच ट्वेल्व, अगर टेन रख दिए तो सी टेन एच ट्वेंटी टू हो जाएगा। अगर इसी क्रम में इसको चेक कर लीजिए यन इक्वल टू थ्री रखिए तो ए आ जाएगा आपका सी थ्री एच सिक्स, है ना। अगर यन इक्वल टू फोर रख दिए तो सी फोर एच एट, अगर यन इक्वल टू हम कितना रख दिए फाइव तो कितना हो जाएगा सी फाइव एच टेन, अगर यहाँ पे यन इक्वल टू टेन रख दिए तो सी टेन एच ट्वेंटी टू आएगा, है ना। इस क्रम में बनते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा एल्काइन के टर्म में अगर यन इक्वल टू हम थ्री रखेंगे तो उस समय हो जाएगा हमारा सी थ्री एच टू टू जा कितना थ्री टू जा सिक्स और टू घटा दीजिए फोर, है ना। फिर अगर इसी क्रम में यन इक्वल टू हम कितना रख दें फोर, तो फोर रखेंगे तो सी फोर एच एट होगा, एट में से टू घट जाएगा तो सिक्स हो जाएगा। फिर यन इक्वल टू हम कितना रखें फाइव, तो सी फाइव एच एट हो जाएगा। ठीक है, फिर यन इक्वल टू टेन रख दीजिए तो सी टेन एच एटीन हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये सब हमारे क्या निकल करके आ रहे हैं, एक होमोलोगस सीरीज भी बन रहा है इनके अंदर, देख रहे हैं ना। अगर इससे इस पे जाया जाए तो देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ यहाँ कार्बन एक है और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है टू का, मतलब इसके अंदर सी एच टू का डिफरेंस है। इसके अंदर देखा जाए तो इसमें भी क्या है फोर है फाइव है, तो सी हो गया टेन है ट्वेल्व है, मतलब यहाँ पर भी सी एच टू का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो
तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस। अगर इनकी बात किया जाए तो इसमें देखो C4 मतलब एक कार्बन हो गया और 8 2, यहाँ पर भी वही डिफरेंस मिल रहा है CH2 का है ना। इसको देखो कार्बन एक एक्स्ट्रा है, इसमें दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे चेक करो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एल्केन एल्किन एल्काइंस में, अगर हम क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें CH2 को, तो उसका नेक्स्ट अगला कंपाउंड जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा ए फाइंड आउट हो जा रहा है ना, फाइंड आउट होगा बेटा। तो इस तरह से ये इसके लिए एक होमोलोगस सीरीज बन रही है, इसके लिए बन रही है, इसके लिए बन रही है। इस तरह से बेटा इसके जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, किसके जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक होमोलोगस सीरीज भी देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग जो अब तक स्टडी किए ये कुछ कार्बन कंपाउंड्स के विषय में, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा, ये कि जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन ये फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन होता है कि नहीं, इसके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उसको पढ़ा जाएगा, फिर नॉम क्लेचर को देखा जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।